नमस्ते, वेलकम, सत श्री अकाल। कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास 9th का नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। इसको हम लोग एन के द्वारा निरूपित करते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर, तो ये होल नंबर होता है नेचुरल नंबर में जब हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं। समझ लीजिए कि एक टुकड़ी है, एक बाल्टी है, जिसमें टोटल नेचुरल नंबर है, और उस बाल्टी में अगर हम जीरो को भी डाल देते हैं तो वो जो बाल्टी हो जाएगा नंबर का, वो आपका होल नंबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, नेचुरल नंबर के साथ साथ जब हम जीरो का ले लेते हैं, जीरो एंड नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। इट इज ऑल्सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डब्ल्यू। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इंटीजर। तो इंटीजर को हम लोग जेड से निरूपित करते हैं। इंटीजर डिनोटेड बाय जेड। और इंटीजर क्या होता है? नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर कॉल्ड इंटीजर। हेंस देयर आर थ्री टाइप ऑफ इंटीजर। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इंटीजर तीन तरह के होते हैं। एक निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, और एक नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव इंटीजर। एंड 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। 0 is neither negative nor positive because -0 और +0 ये कहीं नहीं होगा। इसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता है जीरो पे, कि आप जीरो को माइनस से डिनोट कर रहे हो या फिर प्लस उसके साथ लगा रहे हो। तो ये एक अलग कैटेगरीज है, नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अब हम लोग समझते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन वैसा नंबर है जिसमें ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, और पी भी नेचुरल नंबर होता है और क्यू भी नेचुरल नंबर होता है। कहने का मतलब, जिसका न्यूमिनेटर भी 1, 2, 3 एंड सो ऑन होगा और डिनोमिनेटर भी 1, 2, 3 एंड सो ऑन होगा, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 1, 3/2, 2/3 एंड सो ऑन। अब हम लोग समझते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? द नंबर विच इज इन द फॉर्म पी बाई क्यू, वेट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी बिलोंग्स टू इंटीजर, क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। कहने का मतलब ये हुआ, क्यू रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से भी डिनोट करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि रैशनल नंबर इज इक्वल टू इंटीजर बाई इंटीजर, हुयर डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो, इट इज डिनोटेड बाई क्यू। फॉर एग्जाम्पल, 3/4, -3/4, 4/3, दिस इज पॉजिटिव रैशनल नंबर, दिस इज निगेटिव रैशनल नंबर, एंड दिस इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव रैशनल नंबर, एंड दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर। आगे हम लोग ये भी स्टडी करेंगे कि अगर कोई नंबर डेसिमल के फॉर्म में है तो उसको हम लोग कैसे रैशनल नंबर और इरेशनल में डिवाइड करेंगे। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये डेसिमल फॉर्म कितने तरह के होते हैं। तो डेसिमल फॉर्म आपका किसी भी नंबर का दो तरीके का होगा, एक तो टर्मिनेटिंग होगा और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कहने का मतलब, जिसका डेसिमल पार्ट
उस डिजिट के बाद जा करके, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 डिजिट है, उसके बाद अब इसके बाद इसमें डिसिमल पार्ट में कोई भी डिजिट नहीं है, कहने का मतलब ये टर्मिनेट कर गया, ख़त्म हो गया, रुक गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक डेसिमल इस फॉर्म में भी होता है कि वो नंबर कभी टर्मिनेट नहीं करता, डेसिमल पार्ट उसका कभी टर्मिनेट नहीं होता, ख़त्म नहीं होता है, वो आते जाता है, डिजिट आते जाता है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी दो तरह के होंगे, एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में होगा कि उसका टर्मिनेशन तो नहीं होगा डेसिमल पार्ट का, और वो डिजिट रिपीट भी नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 3, 2 एंड 1, यहाँ पे हम गौर कर रहे हैं कि एक भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, या फिर कोई भी डिजिट का समूह रिपीट नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि 3.242424, यहाँ पे एक डिजिट का समूह 24 रिपीट कर रहा है, और इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल, इसको हम रिकरिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग देखेंगे कि अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो इस तरह से अब हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं रैशनल नंबर के फॉर्म में, क्योंकि हम लोग डेफिनेशन में देखे हैं कि रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू, एंड दिस रिपीटिंग डेसिमल ऑल्सो कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पी वाई क्यू। हम लोग आगे फिर देखेंगे कि इसको कैसे, वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम लोग इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। ऑल दोज नंबर विच इज नॉट रैशनल नंबर, दैट इज इरेशनल नंबर। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, जिस नंबर को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब जो टर्मिनेट भी ना होता हो, फॉर एग्जाम्पल ये 3.346321, ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। ऑल नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑल्सो बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, √6, √7 एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत से सारे नंबर मिल जाएंगे जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। यहाँ पे नोट देने वाली बात ये है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, बट पाई का वैल्यू हम लोग यूज़ करते हैं, पाई इज इक्वल टू हम लोग यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल में या फिर कैलकुलेशन में 22/7, 22/7 और 3.14, इसका यूज़ हम करते हैं, ये दोनों आपका रेशनल नंबर है। एक कन्फ्यूजन दिमाग में आ रहा होगा आपके कि ये पाई इरेशनल है और इसी का वैल्यू 22/7 है और 3.14 है, तो ये रेशनल क्यों है? एक्चुअली पाई का एक्चुअल वैल्यू 22/7 नहीं है, पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये है, मतलब पाई एक रेशनल नंबर मान लेते हैं तो पाई के सबसे करीब वाला, पाई इरेशनल नंबर है तो पाई के सबसे करीब वाला रेशनल नंबर है आपका 22/7 और 3.14। देयरफॉर मतलब ये दोनों 100% इक्वल नहीं है, बट काफ़ी करीब है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसलिए ये आपका रैशनल है, यानी कि पाई का अप्रोक्सी सबसे नज़दीकी मान वाला रैशनल नंबर है 22/7, 3.14। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है। अगर दो से अधिक रैशनल नंबर है और उन सबका सिंपलेस्ट फॉर्म सेम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर।
फॉर एग्जाम्पल 3/5 एंड 9/5, 27/45। अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग 3/5 ही ऑप्टेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ये आपका 3/5, फिर यहाँ जब हम 9 से कैंसिल करेंगे तो ये भी आ जाएगा आपका 9/3 = 27 और 9/5 = 45। तो यहाँ भी आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा 3/5। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या कि ये सारे आपका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का एग्जांपल है। अब यहाँ पे हम लोग ये भी सीख लेते हैं कि एक रैशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे और हम कैसे समझेंगे कि ये रैशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग एक प्रोसेस का यूज करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का हम लोग एससीएफ फाइंड करेंगे और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में जो एससीएफ आया रहेगा उससे डिवाइड देंगे और इस तरह से हमारा जो रैशनल नंबर होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं 108/-32। ये एक रैशनल नंबर है और हम जब इसके न्यूमरेटर दैट मीन्स 108 और 32 का एससीएफ निकालते हैं तो ऑब्टेन होता है 4। दैट मीन्स 4 इज द एससीएफ ऑफ 108 एंड 32। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस 4 से हम इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड देते हैं और इस तरह से आता है आपका 27/-8। यह एक सिंपलेस्ट फॉर्म है इस रैशनल नंबर का। चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं कि कौन सा रैशनल नंबर है जिसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में समझेंगे। तो एससीएफ जब हम निकालेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, अगर वो एससीएफ ऑब्टेन हो गया 1, जैसे कि 3 और 2 का एससीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, तो उस रैशनल नंबर को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में समझेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये नंबर लाइन होता क्या है। तो जैसे हम लोग हैं तो हम लोग का एक पार्टिकुलर प्लेस होता है जहाँ पे हम लोग लाई करते हैं, रहते हैं। जैसे कि मेरा घर मोतिहारी में हुआ तो ये मोतिहारी मेरा यूनिक एड्रेस हुआ इस पूरे वर्ल्ड में। अगर कोई मुझे ढूंढना चाहता है तो ये मोतिहारी में आ सकता है क्योंकि ये मेरा यूनिक एड्रेस हुआ। उसी तरह से जितने भी रैशनल नंबर हैं, इनफैक्ट जितने इरेशनल भी हैं, हर नंबर का एक यूनिक प्लेस होता है। तो उस प्लेस को एक लाइन, और एक लाइन पे इन्फिनिटी पॉइंट भी होते हैं एंड एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट अ नंबर लाइन। दैट मीन्स एवरी नंबर इज रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन, दैट लाइन इज नोन एज नंबर लाइन। Every number can be represented on a line. That line called a number line. अब हम लोग इसको स्टेप वाइज समझते हैं, टाइप वाइज कैटेगराइज करके समझते हैं कि हम इस रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग देते हैं प्रॉपर रैशनल नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्रॉपर रैशनल नंबर पहले होता क्या इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप गौर कीजिएगा तो देखिएगा कि न्यूमरेटर आपका 3 है और डिनोमिनेटर 4 है। कहने का मतलब ये कि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। यहाँ भी आप देखिएगा तो न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 9 है, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो जितने भी रैशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है मैग्नीट्यूड में, अगर हम -4 लिख दे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को या फिर न्यूमरेटर में -10 लिख दे और डिनोमिनेटर में -9 लिख दे तो इस सिचुएशन में तो डिनोमिनेटर ही छोटा हो जाएगा। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ कि अगर मैग्नीट्यूड में किसी रैशनल नंबर का न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसको हम लोग प्रॉपर रैशनल नंबर में समझते हैं। तो इस तरह के नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं क्या कि 3/4 का वैल्यू है
7.5, 5/9 का वैल्यू है 0.5, पेडिग्रीइंग मतलब कि ये रिपीट करते जाएगा। तो इस तरह से जितने भी प्रॉपर रैशनल नंबर होता है वो लाइज करता है -1 और +1 के बीच में। अगर वो नेगेटिव है तो लाइज करेगा -1 और 0 के बीच में, और अगर वो पॉजिटिव है तो लाइज करेगा +1 और 0 के बीच में। तो इतना तो हम लोग को पता चल गया कि रैशनल नंबर अगर प्रॉपर है तो वो कहाँ लाइज करेगा। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि किसी चीज़ किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है तो कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे ए बी एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है तो दो पार्ट में अगर डिवाइड करना है तो इसके लिए हम एक बार इसको कट करेंगे, और अगर इसको 1, 2, 3, 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो गौर करेंगे कि 1, 2 एंड 3 3 टाइम्स ही कट किए हैं इसको। यानी कि जितनी पार्ट में हमको किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है उससे एक कम टाइम्स हम कट करेंगे। अब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 3/4 को, तो ये देखने क्या है कि ये प्रॉपर रैशनल नंबर है, और ये प्रॉपर रैशनल नंबर है तो ये लाइज, और पॉजिटिव है तो ये लाइज करेगा 0 एंड 1 के बीच में। तो अब इसका डिनोमिनेटर हम देखते हैं कि 4 है। कहने का मतलब 0 एंड 1 को हमको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। अब इस पार्ट को हम लोग को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो इसलिए हमको इसको क्या करना होगा 3 टाइम्स कट करना होगा, 3 टाइम्स इसको कट करना होगा। अब इसमें से हमको 3 सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे 3 सेलेक्ट करना होगा, जैसा कि यहाँ पे 3/4 है, ये 0 और 1 के बीच में लाइक करेगा, तो इसको हमने 3 टाइम्स कट किया, ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसमें से 1, 2 एंड 3, चूंकि न्यूमरेटर 3 था इसलिए 1, 2, 3। हाँ, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हम हमेशा काउंटिंग 0 के तरफ से ही करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3/4, यानी दिस पॉइंट इज 3/4। नेक्स्ट, अगर यही निगेटिव है तो फिर सिमिलर प्रोसेस हम लोग इसको यूज करेंगे, और इस यहाँ पे काउंट करेंगे 0 की तरफ से 1, 2 एंड 3, दैट मीन्स -3/4, दिस पॉइंट इज -3/4। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं कि मिक्स रैशनल नंबर रहेगा तो कैसे करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मिक्स रैशनल नंबर में 2 पार्ट होता है। एक पार्ट तो ये इंटीग्रल पार्ट होता है और एक पार्ट होता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इंटीग्रल पार्ट को देखेंगे कि इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू कितना है। तो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट है 2। कहने का मतलब दिस रैशनल नंबर लाइज बिटवीन 2 एंड 3। ये रैशनल नंबर अगर 2 है तो ये 2 और 3 के बीच में लाइज करेगा। ये रैशनल नंबर अगर इसका इंटीग्रल पार्ट 3 है तो ये 3 और 4 के बीच में लाइज करेगा, क्योंकि 3 और इसमें कुछ, क्योंकि 2 और इसमें कुछ जुड़ा हुआ है, 2 से ज़्यादा है बट ये 3 नहीं है, इसका मतलब ये 2 और 3 के बीच में लाइज करेगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 और 3 को अब कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे तो देखेंगे डिनोमिनेटर कितना है इसका। तो हम देखते हैं क्या कि इसका डिनोमिनेटर आपका 4 है, तो इस 2 और 3 वाले पार्ट को हम लोग 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमको 1, 2 एंड 3 टाइम्स इसको कट करना होगा, और ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल पार्ट। इसका 2 था तो 2 आ गए यहाँ पे, और इसका डिनोमिनेटर 4 था तो 4 पार्ट में इक्वल डिवाइड कर दिए, और इसका न्यूमिनेटर 3 है तो अब इसमें से हम थर्ड पार्ट को 1, 2, 3 थर्ड पार्ट, दिस इज द पॉइंट 2 इंटीजर 3/4। अब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर रैशनल नंबर को। इम्प्रॉपर
इम्प्रॉपर रैशनल नंबर। अब इम्प्रॉपर रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इम्प्रॉपर रैशनल नंबर जितने भी होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, मिक्स रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3/4 है, तो इस 3/4 को हम 3/4 को हम वन इंटीजर 1/3 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको सेकेंड टाइप आ गया, जो कि यहाँ पे हम लोग सीखे हैं सेकेंड टाइप। इसमें आपका हो गया इंटीग्रल पार्ट, तो यह इंटीग्रल पार्ट हो गया 1, और इसमें हो गया रैशनल पार्ट, तो रैशनल पार्ट हो गया आपका 1/3। तो पहले हम क्या करेंगे, ये 1 है तो इसका मतलब ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। इसके बाद डिनोमिनेटर देखेंगे कितना, तो 3 है, तो इसका मतलब 1 और 2, तो 2 बार कट करेंगे क्योंकि 3 को पार्ट में डिवाइड करना है। अब इसमें से सेलेक्ट करना है फर्स्ट, तो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 4/3। नेक्स्ट अब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इरेशनल नंबर होता है आपका, जैसे कि एग्जांपल है आपका √2, √3 एंड √7। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग देखते हैं, जब एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो उसमें हम जब 1 और यहाँ पे 1 रहता है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से हमको मिल जाता है आपका, पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाता है h² = v² + p². तो जब यहाँ पे 1 का स्क्वायर और यहाँ पे 1 का स्क्वायर, मतलब इसका v भी 1 है और h भी 1 है, तो इस तरह से हम लोग √2 ऑब्टेन कर लेते हैं। जब हम लोग √2 ऑब्टेन यहाँ पे कर लेते हैं, तो इस तरह से अगर हम लोग √2 को रिप्रेजेंट करना है तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और वहां पे 1 पे 1 यूनिट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे 1 पे हम लोग 1 यूनिट ड्रॉ करेंगे। अब 0 से यहाँ पे 1 यूनिट को मैच कर देंगे और ये जो आपका लेंथ मिलेगा ये √2 मिलेगा। पाइथागोरस थ्योरम से 1 और 1 √2 हो जाएगा आपका। यानी कि ये पॉइंट आपका √2 हो जाएगा। अगर इसी तरह से √3 को रिप्रेजेंट करना है तो फिर यहाँ पे आप परपेंडिकुलर डालेंगे √1, यहाँ पे फिर 1 यूनिट इंक्रीज करेंगे परपेंडिकुलर के रूप में, और फिर यहाँ से ये √3 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से √2 का स्क्वायर यहाँ पे, और फिर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पे आपका जो हाइपोटेनस है वो √3 हो जाएगा, और ये जो लेंथ होगा आपका ये हो जाएगा आपका पॉइंट √3। इस तरह से हम लोग √4 भी जाएंगे, लेकिन √4 का वैल्यू 2 हो जाता है, तो इसलिए हमको इस प्रोसेस का यूज करना नहीं करेंगे, यहाँ पे √2 हो जाएगा। लेकिन √5 जब करना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 पे 1 यूनिट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, फिर अगर √5 करना है तो यहाँ पे √1 यूनिट ड्रॉ करेंगे, √6 करना है तो यहाँ पे फिर 1 यूनिट ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, √7 करना है फिर यहाँ पे 1 यूनिट ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हम लोग √5, √6, √7, √8 तक कर सकते हैं। फिर 9 के लिए तो 0.3 हो जाएगा, और फिर अगर 10 करना है तो फिर 3 पे 1 यूनिट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 1 यूनिट ड्रॉ करेंगे, और इस तरह से हम लोग आगे कंटिन्यूस करते रहेंगे, इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, और जितना भी रूट में इस तरह से देगा हम लोग ये ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ से जब ऐसे हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √10, क्योंकि 3 का स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे 2 के जगह अगर 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये जो 1 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये दोनों ऐड करके आपको √10 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग √10 को यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस टाइप से। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि अगर रूट के अंदर पॉइंट में नंबर रहे तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर ये 3.4 है तो हम लोग यहाँ पे 3.4 लेंथ का ड्रॉ कर लेंगे लाइन सेगमेंट यहाँ से ये,
और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वन यूनिट इंक्रीज करेंगे आगे की तरफ, और हम लोग क्या करेंगे इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करेंगे ताकि हमको एक सेंटर मिल जाए, और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, यहाँ ये चूंकि हमको सेंटर मिल गया है, अब यहाँ से हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, और जिस पॉइंट से हम लोग वन यूनिट इंक्रीज किए थे वहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे, और इस तरह से ये जो लेंथ हो जाएगा आपका, ये जो परपेंडिकुलर का जो लेंथ हो जाएगा ये हो जाएगा आपका रूट में, ये आपका रूट में हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 3.4 ले रहेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 3.4, अगर यहाँ पे रूट अंडर 5.6 ले रहेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 5.6, मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पे ले रहेंगे वो यहाँ पे आपका रूट के अंदर आ जाएगा। इसको प्रूफ करने के लिए हम फिर एक नया वीडियो डाल देंगे जिसमें ये प्रूफ करेंगे कि ये अगर हम 3.4 लेते हैं तो ये रूट 3.4 क्यों होगा, क्योंकि इसको लंबा ना हो इसलिए हम इसको फिर अलग से बना देंगे, हालांकि न्यूमेरिकल बनाने के लिए आप इससे बना सकते हैं।